हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की पीटी 365, जो साइंस एंड टेक की जो है मैगजीन, उसका थर्ड पार्ट है ये। इससे पहले मैंने दो पार्ट डाले हैं, अगर आपको वो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को। एंड उससे मुझे पता चलता है कि इफ़ समवन इज़ वॉचिंग माई वीडियोज़, आदर इट लाइक इट और नॉट। एंड I have to tell you something, as I am a PSIR student. So nowadays there are, you know, corona is everywhere. So I have to tell you one thing, and you already know about Shubhra ma'am. So Shubhra ma'am says, she told about for the student that there should be a peace in mind. So I am adding further to it that yes, there should be peace in mind. Until and unless you can't beat the storm around you. मतलब आप जो तूफान मचा है आपके आसपास में, उसको आप हरा नहीं सकते जब तक आपके मन में शांति नहीं होती रहती है, ठीक है। So there should be peace in mind, रहना चाहिए, and हम जीतेंगे। So at the end of the day हम जरूर जीतेंगे, ठीक है। सो थर्ड टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे पेटेंट टूल के बारे में, पेटेंट पूल के बारे में दिया है, सॉरी, पेटेंट पूल्स। अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इंटरनेशनल साइंस कोलैबोरेशन ऑन कोविड-19 ने यहाँ पे स्टार्टेड किया है डिस्कशन ऑन पेटेंट पूलिंग, ठीक है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, कोस्टा रिका ने सजेस्ट किया है पूलिंग ऑफ राइट टू डील विद द पेंडेमिक थ्रू फ्री एंड मिनिमल अफोर्डेबल लाइसनिंग टू इंश्योर दैट द आउटकम्स ऑफ द एफर्ट कैन बी यूज बाई द कंट्री विद द लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू डील विद द प्रॉब्लम। सो पेटेंट पुलिंग के बारे में देखते हैं। पेटेंट पुलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेटेंट पुल आर डिफाइंड एज अ एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू और मोर पेटेंट होल्डर। ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू और मोर पेटेंट होल्डर फॉर द लाइसेंसिंग their parents to one another or any third party for the purpose of the sharing their intellectual property right, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया है, ये इंफोग्राफिक्स में यहाँ पे देखते हैं बॉक्स में, इंडिया एंड पेटेंट पुलिंग क्या है। द कंसेप्ट ऑफ द पेटेंट पुलिंग is new in India and has been primarily focused to have the solution for the affordable health care. Indian Patent Act IPA जो होता है 1970 का does not render for any provision related to the formation of the patent pool or any guidelines for the same, but at the same time it neither restrain for the creation or the formation of the patent pool. Under the IPA, central government can set up the patent pool by acquiring the invention and patent which are required in the public interest. However, India patent pooling is viewed as a restrictive practice by Competition Act 2002 which are anti-competitive in nature, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और दिया है, generally patent pool are made up of complex technology which are necessities होते हैं, complementary patent for providing the product to technical solutions such as vaccine in the present COVID crisis. उसके बाद यहाँ पे सीविंग मशीन कॉम्बिनेशन जो 1856 का है, इज कंसिडर एज द फर्स्ट मॉडर्न पेटेंट पूल इन द यूनाइटेड स्टेट। पेटेंट पूलिंग स्ट्रक्चर वेर डिस्कस एंड कंसिडर इज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सार्स आउटब्रेक ऑफ द 2002 and 2003, द H5N1 इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक ऑफ द 2005 एंड H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 2009। पेटेंट पूलिंग इंश्योर करता है innovation and lower transaction cost, better process efficiency, innovation between the companies while minimizing the potential legal issues, lower transaction cost and better process efficiency as a businesses that hold a complementary patent can effectively agree not to sue each other for the infringement, ठीक है। सो एक और बात बताना चाहता हूँ कि यस, देर आर सो मैनी अनसर्टेंटी इन आवर आउटसाइड और अबाउट दिस कोविड क्राइसिस। सो प्लीज़ बी सेफ, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम रीडिंग दिस मैगजीन वन वर्ड बाय वर्ड,
why I am reading this word by word, because our target is not is prelims only. We have to think about the mains. We have to study about them for the mains and of the mains. ठीक है. सो वर्ड बाय वर्ड पढ़ने से क्या होता है कि दिस सेंटेंस एंड दिस वर्ड्स आर फिचिंग इन योर माइंड. सो समटाइम्स हम बार बार रिपीटेडली सुनते हैं. सो हमारा जो मेन्स आंसर राइटिंग में जो लिखना पड़ता है हमें, सो हमारे माइंड में वो रिकॉल बाद में रिकॉल होता है. एंड मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लाइक आपको हिंदी में बताकर, मतलब जल्दी जल्दी बताकर स्किप कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टडी. सो वन बाय वर्ड इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, सो दैट्स वाई. बट आपको कुछ और सजेस्ट करना होगा, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई कैन चेंज माई स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंस. उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेप्स टूवर्ड पेटेंट पुलिंग, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इंटरनेशनल. सी टैप कोविड टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल बोलते हैं, सी टैप होस्टेड बाय द WHO कंपाइल्स प्लेजेस ऑफ द कमिटमेंट मेड अंडर द सोलिडारिटी कॉल टू एक्शन द वॉलेंट्री शेयर कोविड 19 हेल्थ टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाटा. उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा GIS एड. It promotes the rapid sharing data from the all influenza viruses and the coronavirus causing COVID-19. Thus, this includes the genetic sequence and related clinical and epidemiological data associated with the human viruses and geographical as well as the species-specific data. Medicine patent pool MPP kya hai? It has facilitated the development of the generic drugs for HIV, tuberculosis and hepatitis C, allowing them to be sold at the affordable price. MPP is a United Nations backed public health organization working to increase the access and facilitate development of the life-saving medicine for the low and the middle income countries. Trade-related intellectual property regime TRIPS आपने सुना होगा, ये अलाउ करता है कंट्रीज टू ग्रांट कंपलसरी लाइसेंसिंग कंपनी टू प्रोड्यूस द पेटेंट प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ इमर्जिंग. नागोया प्रोटोकॉल अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD आर्टिकल 2 सबसेक्शन ई ऑफ द प्रोटोकॉल कैन बी इंटरप्रिटेड एज इंक्लूडिंग द जेनेटिक सिक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ऑल ऑन गोइंग रिसर्च डेवलपमेंट ऑन कोविड treatment prevention. Protocol provides for the access and the benefit sharing when the genetic resources are used for the commercial purpose. Indirectly provides the scope for the patent pooling. So ye hamara topic tha. Iske baad hum IT and computer se matlab baad mein next part mein karenge. So again I am telling you, please do subscribe, like, comment and share. Aaj thoda maine zyada information de diya, but I am not used to it. I am not talk about the other than the study because time is important for every student. Jaruri hai. So apna target mains rakhiye. So prelims is not our target. So we don't have to think about whether exam is going or not. Yes, definitely it will be on 27 June, so we have to be ready for that. And आपको कुछ भी मतलब डाउट्स होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.